चैनल पीएमएस मीडिया में और मैं हूं आपके साथ मानसी गुप्ता। सोनाक्षी सिन्हा के फिल्मों में डेब्यू के बाद से ही उन्हें अपने वजन को लेकर ट्रोल किया जा रहा था। अरबाज खान के चैट शो पर सोनाक्षी सिन्हा अपने आप से जुड़े कई मीन ट्वीट्स को पढ़ती हुई नजर आई। वहीं उन्हें एक ट्रोलर ने बफेलो यानी कि बहस कहा तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी उसकी गलत स्पेलिंग पर करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले स्पेलिंग तो सीख ले यार। इसके अलावा एक और ट्रोल ने सोनाक्षी को कहा कि उन्हें भूख हड़ताल पर चले जाना चाहिए ताकि उनका कुछ वजन घट सके, उन्हें ज्यादा रोल मिल सके। इस पर सोनाक्षी ने कहा कि इससे ज्यादा रोल्स मैं कर भी नहीं सकती, सॉरी बहुत रोल्स है, बहुत काम है मेरे पास। सोनाक्षी ने बताया कि सलमान खान के साथ अपनी डेब्यू फिल्म करते वक्त उन्होंने अपना वजन 30 किलो तक कम कर लिया था, बावजूद इसके ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बना लिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने इस तरह की सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद ही सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सोनाक्षी ने बताया कि उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए बेहिसाब मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत की है, लोग अभी इस बारे में आधा ही जानते हैं। आपको बता दें कि सोनाक्षी इस समय फिल्म कलंक को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और आलिया रॉय कपूर जैसे सितारे नजर आएंगे। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। करण बता चुके हैं कि ये फिल्म उनके पिता का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी कारणवश वे इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि कल 17 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें भी है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पीएमएस मीडिया।